मानव अधिकार सुरक्षा का भार संगठन ने अब वरिष्ठ समाज सेवी विनीता सुरेंद्र पाठक के कंधों पर दे दिया। दरअसल जनसेवा और मानव अधिकार सुरक्षा के कामों को लेकर लगातार संघर्षरत जानी मानी समाज सेविका विनीता पाठक को अब जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन की मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर आज उनके कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित कार्यालय पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया व पुष्पमालाओं से उनका आदर सम्मान किया गया। दरअसल जागतिक मानव अधिकार सुरक्षा फेडरेशन संस्थापक चेयरमैन अध्यक्ष राजेंद्र आहेर ने मध्य प्रदेश में मानव अधिकार सुरक्षा का दायित्व सौंपते हुए मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिरडी महाराष्ट्र में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में विनीता पाठक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए यह पद प्रदान किया गया। वहीं सोमवार नवागत मानव अधिकार फेडरेशन की मध्य प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुई। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मानव अधिकार फेडरेशन मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि शिरडी के साई बाबा की कृपा से मुझे यह पद मिला है, और खास बात यह रही कि महाराष्ट्र में ही मैंने पद ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता मानव अधिकार फेडरेशन के कामों को पूरी ईमानदारी से करने की रहेगी। वहीं नवागत अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार गोहत्या बढ़ रही है, यह मेरे लिए बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि इसके लिए फेडरेशन ने एक टीम बनाकर गोहत्या, भ्रूण हत्या और नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी को लेकर काम किया है और आगे भी इस काम को किया जाएगा। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं की टीम बनाई जाएगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर की घरेलू महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, ताकि जो समस्याएं हैं वह हमारे पास आ सके और जिन्हें भी इस प्रकार की समस्या है वे हमसे मिल सकें। उन्होंने कहा कि लीगल टीम गठित कर इन सभी पुराने केस को भी हैंडल किया जाएगा। दरअसल पेशे से वकील विनीता पाठक ने बताया कि इसमें जितने भी लीगल और प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ा जाए, ताकि मानव अधिकार के कामों को आसानी से किया जा सके। वहीं लगातार शहर में बाल भिक्षावृत्ति लगातार देखने को मिल रही है। इसको लेकर विनीता ने कहा कि हम बच्चों से बाल मजदूरी रोकने के लिए सख्त, मतलब कि बच्चों की जो बाल मजदूरी है उसे रोकने के लिए हम सख्त कदम उठाएंगे। तो लोगों ने बना दिए, लेकिन वहाँ तक कोई उठ के कैसे जाएगा, वहाँ पहुँचेगा कैसे? आज युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समय यूं ही इजीली उनके लिए पास हो जाता है। आज उनका कोई मोटिव नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ वो नहीं है, क्योंकि उसके रीज़न ये है कि दूसरी तरफ से जो सरकार ने उनकी मोटिवेशनल चीज़ें ही रोक रखी है। आज वो किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उनका रोज़गार डबल ट्रिपल कैसे हो, क्या हो, उसकी कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, जिस हिसाब से जॉब उनको मिलना चाहिए वो जॉब ही नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ों को जब आप उनका मेंटली ही प्रेशर नहीं समझ पाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हो, देखिए कोई भी आगे तो इस चीज़ को करना नहीं चाहेगा, तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होंगे क्यों उसके पास इतना समय खाली है कि वो इस चीज़ में लगा हुआ है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हम उस पर ध्यान देंगे। आपका नाम और आपका पद? विनीता पाठक, मानव अधिकार विभाग फेडरेशन, महिला अध्यक्ष एमपी।